नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ चुनिंदा बेहतरीन शानदार कंपनीज की बात करेंगे जो आपको भयानक से भयानक से रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए तो भी दोस्तों ये स्टॉक्स आपको चल के रहेंगे, आपका पैसा खत्म नहीं करेंगे बल्कि आपका पैसा बना के रहेंगे। क्योंकि इन कंपनियों में ऐसी बात है, ये ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है कि चाहे कितना बड़ा रिसेशन आ जाए, कितना बड़ा कुछ भी आ जाए, वहां से आपका पैसा बनना ही बनना है। अगर बनेगा भी तो डूबेगा नहीं। तो दोस्तों, इन चलिए इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं जिन कंपनीज में आपको चाहे अभी जैसे रिसेशन के सिनेरियोज दिख रहे हैं, पर एक बार 1929 में बहुत तगड़ी डिप्रेशन आया था, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। जब सारी नौकरियां चली गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था खाने के लिए, तो उस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी, उतनी कंपनी नहीं थी। बट आज बहुत सारी कंपनीज है। पर आज आज भी अगर उस टाइप की रिसेशन आता है तो आपको किन स्टॉक्स में फोकस बना के रखना चाहिए जिनसे कि ऐसे रिसेशन में भी हम पैसा कमा सकते हैं और जहां पे हमारा पैसा नील नहीं होगा। तो और इन कंपनी को फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्योंकि इन्होंने पिछले काफी टाइम से पैसा बना के दिया और आने वाले टाइम में भी पैसा बना के देंगे। चलो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बहुत बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी है। इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिमिटेड है। पर दोस्तों, ये कंपनी है विदेशी, बाहर की कंपनी है, पर इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो भी जिसने भी इस कंपनी में कभी भी एंट्री मारी है दोस्तों, उसको कभी भी लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों, फिर 20 साल से जो इस कंपनी में बना हुआ है, इसका पैसे को इसने कम से कम 1477% के हिसाब से ग्रो कर दिया है दोस्तों, मल्टी बैगर बना के दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है काफी जबरदस्त। किसी बंदे ने इसमें कहीं पे भी एंट्री मारी है तो उस बंदे का पैसा बनाया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 2002 से ये 6 में 10 में, 2008 के रिसेशन में, 2020 के रिसेशन में, जिसने कहीं पे भी इसमें एंट्री मारी है उसका यहाँ से पैसा बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में ग्राफ ऊपर को ही गया है, शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत सारी गिरावटें होती रहती हैं, क्योंकि निफ्टी को बिलोंग करता है, निफ्टी में कॉल पुट लगती है, फ्यूचर ऑप्शन लगती है, तो अप एंड डाउन चलता है ये स्टॉक, ऐसे ऐसे करके काम करता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में इससे हम अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं, यहाँ से आप आराम से 20 से 50% साल की आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप नीचे जब जब गिरता है तब इसको बाय करिए, ऊपर सेल करिए, नीचे बाय करिए, ऊपर सेल करिए, ठीक है। इस स्टॉक में ऐसे काम कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी है, रिसेशन प्रूफ कंपनी है, बुरे से बुरे वक्त में साथ देगी ये कंपनी। इस कंपनी में आप ध्यान बना के रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक साल में देखिए तो एक साल में कितनी सारी गिरावटें रही हैं इस कंपनी ने, देखो। पर इस कंपनी ने अगर दोस्तों एक साल का हम रिटर्न्स देखें तो इसने 12% के आसपास के रिटर्न्स बना के दिए हैं, या 18% के आसपास के रिटर्न्स बना के दिए हैं। पर जिसने इसमें स्मार्टली इन्वेस्ट किया उसने देखिए बार बार यहाँ पे रिटर्न बना के दिए हैं। देखो, 21% के रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 5% के रिटर्न बने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने 10% के रिटर्न बना के दिए हैं। फिर उसके बाद दोबारा गिरावट हुई, फिर यहाँ पे इसने 5% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों इसने पैसा आपके 100 से 150% तो ऐसे ही बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो ऐसे ही इन स्टॉक्स में काम करता है। और दूसरा, ये रिसेशन प्रूफ है क्योंकि ये FMCG की कंपनी को बिलोंग करते हैं। जो FMCG की कंपनियां दोस्तों, वो कंपनियां होती हैं जो FMCG में दोस्तों फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को, वो कंपनियां होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो जितनी भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हमें प्रोवाइड करते हैं। ये एक इंसान के जीने के लिए एक प्रोडक्ट्स की जरूरत होती ही होती है दोस्तों, चाहे छोटे से कुछ भी हो, चाहे नहाना धोना हो तो साबुन चाहिए चाहिए, खाने पीने के दूध चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। ये वॉन्ट्स नहीं है, ये डिजायर नहीं है, वॉन्ट्स है। तो ये इस पे काम करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है जो रिसेशन में भी लोगों को चाहिए चाहिए। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे रिसेशन में भी डाउन हुआ था। आपने 2020 में देखिए दोस्तों, इसने 2020 में यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉक प्राइस गिरा था, उसके बाद फिर इसने रिबाउंड किया है, बैक किया, ठीक है, यू टर्न मारा है। क्योंकि अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी, स्ट्रांग कंपनी बाउंड बैक करती है, और ये FMCG को बिलोंग करती है, जो बेसिक नीड्स की कंपनी है, आदमी के जीने के लिए जो जरूरत है उसको करती है। तो चलिए इनके प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। इनके प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट्स में काम करती है कंपनियां।
इसके प्रोडक्ट्स दोस्तों आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स यूज करते ही करते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे इनके ये साबुन में दोस्तों इनका लक्स आपने कभी यूज किया होगा, ठीक है। डव डव काफी काफी पॉपुलर है, तो इसका डव सोप आता है, ठीक है। उसके बाद फेयर एंड लवली, ठीक है, काफी पुराना फेयर स्टॉक कहते हैं प्रोडक्ट है, फेयर एंड लवली चलता है। उसके बाद क्लिनिक प्लस बालों के लिए शैम्पू है, सनसिल्क है, रिन रिन से दोस्तों कपड़े धोते हैं, रिन का बहुत अच्छा चलता है, व्हील चलता है डिटर्जेंट, ठीक है। और इनका क्या है, सनसिल्क चलता है, ठीक। और अगर इनके क्रीम की बात करें तो पॉन्ड्स चलती है, वैसलीन, डव, ठीक है, पेप्सोडेंट। देखो कोलगेट के बाद जो दूसरा जो चलता है दोस्तों प्रोडक्ट वो है पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट का काफी अच्छा चलता है। क्लोजअप, क्लोजअप भी बहुत अच्छा चलता है। ब्रुकबॉन्ड लेवल चाय पी होगी आपने, ब्रू कॉफी, जो कॉफी के शौकीन है तो उन्होंने कभी ब्रू टेस्ट किया होगा। किसान कैचअप आता है दोस्तों, क्वालिटी वॉल्स आती है, किस फील्ड में नहीं है ये देखिए दोस्तों, हेयर ऑयल्स है, ठीक है, प्योरिट पानी के लिए प्योरिट है। तो इन सब में इनका अच्छा खासा होल्ड बना है, जहां से बहुत जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी में आप देख सकते हैं धीरे धीरे जब गिरावट होती है तो कम कम शेयर उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी उठा सकते हैं यहाँ से, और क्या कहते हैं इसमें पैसा बना सकते हैं, ठीक है। स्मॉल क्या करना है दोस्तों, स्मॉल क्वांटिटी उठाना है और स्मॉल अमाउंट लगाना है और मल्टीपल स्टॉक्स में काम करना है, तो आपके रिटर्न्स बनना तय है। तो चलो दोस्तों, दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी बहुत शानदार कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, जिसका नाम है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड भी एक बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है, इस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। मैरिको देखो यहाँ पे मैरिको कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे तुम्हारा अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे रही है। 541 के आसपास के प्राइस है, 19,000 के आसपास के रिटर्न्स बना के दे रहे, 19,000 के रिटर्न्स ने ऑल टाइम बना के दिए। जो निवेशक इसमें अच्छे खासे इसमें इन्वेस्ट किया उनके पैसों को इसने मल्टीबैगर बना के दिया, ठीक है। इनके भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और ये देखिए मगर हम मैक्सिमम अगर इसका मैक्सिमम लगा के देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जिसने भी कभी भी कहीं भी किसी भी गिरावट में इस कंपनी में काम किया होगा और इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया होगा तो उसने बहुत पैसे बनाए हैं, ठीक है। देखिए 2020 में 253 के आसपास आया था, यहाँ पे कोरोना का दौर था, उसके बाद भी देखो वहां से ये बैक करी हुई है और 150% के यहाँ से पैसा दुगना कर दिया इसने, ठीक है। 2008 का रिसेशन इसको कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट, इनके जो प्रोडक्ट है मोनोपोली प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे काम करते हैं दोस्तों, हर तीसरे तीन में से हर आउट ऑफ थ्री थ्री में से एक बंदा उसको इनके प्रोडक्ट यूज करता ही करता है, और ये अपने फील्ड में ऐसे महारत है कि कोई दूसरे कॉम्पिटिटर को घुसने नहीं देते हैं। और एक साल की बात करते हैं दोस्तों, एक साल में देखिए इसमें कितनी गिरावटें हुई हैं, कितने मौके मिले हैं, ठीक है। 9% के इसने कुल मात्र रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो इसने सिर्फ 9% के रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका करंट प्राइस 541 चल रहा है। पर आप देखिए इसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दी है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है, और जम जम के पैसा बना है जिसने यहाँ पे काम किया है दोस्तों। जिसमें जैसे आपको, आप ऑफिस जाते हो वहां पे काम करते हो दोस्तों, वैसे यहाँ पे भी आपको काम करना होता है तभी पैसा बनेगा, क्योंकि पैसा इतना आसानी से नहीं बनता, उसके लिए काम करना पड़ता है। जब हम ऑफिस में 9-9 घंटे दे सकते हैं, 2-2 घंटे की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 घंटे यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए देने होंगे हमें, तभी हमारा पैसा बनेगा। तो देखिए आप इसके, आप इसमें शॉर्ट टर्म में कैसे काम कर सकते थे दोस्तों, इसमें चाहते तो आप इसमें देखो शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में काम करना बहुत आसान है, लॉन्ग टर्म में तो आपको बिल्कुल भी आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ होल्ड करना आना चाहिए, पेशेंस आना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों इसने कितने पैसे बना के दिए हैं, इसने यहां से लेकर अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसने 12% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं, ठीक है। छोटे मोटे परसेंट देखते नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि 5-6% तो बनाते दे रहा है, 8% ने यहाँ पे बना के दिए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने कितने 6% के रिटर्न्स बना के दे दिए हैं एक साल में। दोस्तों यहाँ पे देखिए 9% के रिटर्न्स, ठीक है, यहाँ से देखिए इसने दोस्तों 12%, ठीक है। तो इसने 100% तो इसने भी बना के दे दिए। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉकों में काम करिए दोस्तों, क्योंकि आपका कैपिटल बिल्कुल सेव है। फ्यूचरिस्टिक कंपनियां, रिसेशन प्रूफ कंपनियां, जब ये कंपनियां रिसेशन, बड़े बड़े रिसेशन में नहीं हुई, 1929 का रिसेशन भी आ जाए दोस्तों तो भी ये कंपनियां डाउन नहीं होंगी, ठीक है। तो इन कंपनी में आप SIP लगा के काम कर सकते हैं, कम कम क्वांटिटीज में काम करते हैं, SQSA के फॉर्मूले पे काम कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में इस पर काम कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट सामने देख रहे हैं, फंडामेंटल की बात
बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही है सारी की सारी। ठीक है, अगर चलो इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, इनके प्रोडक्ट भी आपने कभी ना कभी यूज करे होंगे, आप अभी भी घर में कहीं ना कहीं यूज करते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें नंबर वन जो प्रोडक्ट आता है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है मैरिको का, वो है पैराशूट हेयर ऑयल। पैराशूट हेयर ऑयल एक जॉब जबरदस्त है दोस्तों, ये पुरानी दादी अम्मा लोग भी यूज करते थे, आज के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी यूज करेगी और हम लोगों ने भी यूज किया। तो ये पैराशूट कहीं जाने का मोनोपोली है, 70% रेवेन्यू पैराशूट से आता है। ठीक है, मैरिको का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये इनका क्या है, निहा, जो निहा नेचुरल सरसों सरसों का केस तेल आता है वहां से आता है अच्छा खासा रेवेन्यू। फिर एक पैराशूट जैस्मिन हेयर ऑयल से आता है, पैराशूट पैराशूट एलोवेरा हेयर ऑयल से आता है। तो ये पैराशूट का जो ब्रांड है दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग है। फिर उसके बाद परफ्यूम्स में दोस्तों, आज अगर कोई परफ्यूम के शौकीन होंगे, जैसे कोई बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, इधर घूमने जाता है, तो क्या करते हैं लोग अपने, जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पसीने आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेशनेस, बंदा नहा तो सकता नहीं है बार बार, तो क्या करता है उसके बदले यूज करता है परफ्यूम। जो परफ्यूम है दोस्तों उनके अच्छे खासे ब्रांड है, जैसे ड्यूज हैं, जेल आते हैं, सेट वेट आपने नाम सुना होगा, अच्छा खासा ऐड भी आता है। ठीक है, उसके बाद इनके ओट्स आते हैं, जैसे सपोला ओट्स वगैरह आते हैं, जो हेल्दी हेल्दीनेस के लिए आते हैं। ठीक है, जिसमें फाइबर होता है, काफी चलता है दोस्तों, काफी चलता है सपोला ओट्स। फिर सपोला तुम्हारा, इनका सपोला हेयर, सपोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल चलता है। ठीक है, सपोला रिफाइंड ऑयल चलता है। तो इनके खाने के प्रोडक्ट्स में सपोला के अच्छे खासे ब्रांड है ये भी, और वहां से अच्छी खासी आती है इसमें से रेवेन्यू जनरेट कर। मल्टीग्रेन सपोला ऑयल आता है। ठीक है, बॉडी लोशन आते हैं इनके। ठीक है, पैराशूट एलोवेरा बॉडी लोशन आता है। तो और एंटी हेयर फॉल के लिए इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जो इनके बेसिकली जो मेन मेन प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो मेन मेन प्रोडक्ट्स हैं मैरिको के, ये है लिवॉन, सेटवेट, मेडिकेयर, रिवाइव। ठीक है, तो ये इनके बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, ये कभी ना कभी दोस्तों कभी खत्म होने वाली कंपनी नहीं है, और आपका पैसा बनता रहेगा जैसे कि आपने इनके देखे हैं। तो चलो दोस्तों, तीसरी जो कंपनी है वो है डाबर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक शानदार बेहतरीन बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देखे, बहुत लार्ज कंपनी है दोस्तों, और इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब इसका भी मैक्सिमम हम चार्ट देखते, तो जिसने भी कभी भी कहीं भी इसमें इन्वेस्ट किया उसने यहां से पैसा कमा के गया, चाहे 2020 का रिसेशन आए या बहुत कम यहाँ पे नीचे, चाहे 2020 का कोरोना का दौर आए, तो सबने इसमें पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत इसमें काम कर सकते हो। और 1 ईयर का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम, दोस्तों इसने मैक्सिमम जो हमारा ऑल टाइम बना के दिया है, इसने 6,943% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ठीक है, अगर 1 साल के तो 6,000 बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है, यानी कि आपके पैसे को बहुत मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 ईयर की बात करते हैं तो दोस्तों 1 ईयर में इसने क्या है, 4% के रिटर्न दिए हैं, बट इसमें क्या है, अप एंड डाउन करके बंदा काम करके इसमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकता है। ठीक है, चार मात्र 4% के इसने 1 ईयर में दिए हैं, पर जो इसमें अच्छा इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसने यहाँ नीचे बाय करके उठाया, बाय करके कमाया है, यहाँ बाय करने की अपॉर्चुनिटी आई है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। बस क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी गिरावट का भाव देखना पड़ेगा, कम कम शेयर खरीदने पड़ेंगे, लेवल लगा के रखना, अपने कैपिटल अनुसार लिमिट लगाने के लिए डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा होल्ड करोगे आपका पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, अगर इसे गैम्बलिंग की तरह लोगे, अगर इसे इन्वेस्टमेंट की तरह लोगे, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते। अब ये देखिए दोस्तों इसने कितने अच्छे पैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं, 18% के रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से 6% के रिटर्न बना के दिए हैं। उसके बाद जिसने यहाँ से होल्ड करके रखा है दोस्तों, उसके 11% के रिटर्न बने हैं, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 2% के। ठीक है, यहाँ 3% के रिटर्न, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2% के रिटर्न। तो ये ऐसी कंपनियों से आप दो दो चार चार दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस परसेंट अपने आवश्यकता अनुसार निकाल सकते हैं, और साल के यहाँ से 40 से 50% निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कम कम शेयर करना है, गिरावट का भाव देखना है, वॉच लिस्ट में करना है, और ध्यान से इन कंपनी में काम करना है, तो आपका पैसा बनना निश्चित है। आप स्टॉक मार्केट को तोड़ दोगे, स्टॉक मार्केट आपके घुटनों पर आकर आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट कंपनी है दोस्तों वह है टाटा कंज्यूमर। ये भी एक बेहतरीन शानदार कंपनी है, टाटा को बिलोंग करती है, तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 787 के आसपास,
आसपास चल रहा है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का लाइफ टाइम हाई देखेंगे दोस्तों, इसने भी 3000% के रिटर्न अपने निवेशकों के बना के दिए हैं। तो 3000% के रिटर्न दोस्तों छोटे मोटे रिटर्न नहीं होते, बहुत ज्यादा रिटर्न होते हैं। किसी बैंक से कंपेयर करोगे, LIC से कंपेयर करोगे, 10 साल में आपका पैसा डबल होता है। यहाँ पे 3000% जिन्होंने निवेश सिर्फ होल्ड बना के रखा है, जिसने सिर्फ होल्ड करके रखा है, पेशेंस दिखाया है, उसका पैसा यहाँ पे भी बना है। तो हर स्टॉक में बनता है, रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स हैं दोस्तों। चाहे कितनी बड़ी मंदी आ जाए, वर्ल्ड की कैसे से कैसी मंदी आ जाए, तो भी ये स्टॉक्स आपके सर्वाइव करेंगे। हाँ, अगर कोई परमाणु बम ही गिरा दे आपके शहर में या आपके दोस्तों, फिर तो सब चीज ही तबाह हो जाएगा। तो पैसे बचा के क्या करेंगे, तो स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा उसमें। तो अगर कोई बम ही गिरा दे, अगर दुनिया रहेगी, ये कंट्रियां रहेंगी, इनकी GDP रहेंगी, तो ये कंपनीज भी आगे वो काम करते रहेंगे। आपको होल्ड बना के रखना पड़ेगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट हमने देख लिया। किसी ने कहीं भी कहीं पे भी किसी भी गिरावट में किसी भी वक्त पे इसमें किया, उसका आज पैसा बन रहा है। और देखिए, एक साल में बात करते हैं तो एक साल में इसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट, अप एंड डाउन चलता है। 7% के मात्र रिटर्न बनाए बनाए इसने एक साल में। जब हम पर इसने जिस आदमी ने यहाँ पे काम किया है, कम कम स्टॉक में देखो 9% के रिटर्न यहाँ पे बना के दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या 8-8.5% के रिटर्न यहाँ फिर बने हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 7% के रिटर्न बने हैं, और यहाँ से देखिए दोस्तों 13% के रिटर्न है। तो 100% के रिटर्न तो उसने यहाँ भी बना के दे दिए। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी, देखो दो तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। बस सोचने का तरीका अलग होता है दोस्तों, और काम करने का तरीका होता है। कोई शॉर्ट टर्म में काम करता है, कोई लॉन्ग टर्म में काम करता है। देखो लॉन्ग टर्म में आपको दिखाया है इसने कितने 1000% के रिटर्न बनाए हैं, और जो वेल्थ असली क्रिएट होती है वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। बट शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों जिसने यहाँ पे 100-100% एक एक साल में भी बनाए हैं दोस्तों, तो वो यहाँ से भी काम कर रहे हैं। बात एक ही है दोस्तों, बस नजरिया चेंज है और काम करने का तरीका अलग है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों वो कहते हैं जिनका पेशेंस थोड़ा लेवल कम होता है, और लॉन्ग टर्म में जिनका पेशेंस लेवल बहुत जबरदस्त होता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, इन कंपनियों में नजर बना के रख सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। बस दो तीन चीजों का ध्यान देना है दोस्तों, राइट कंपनी का ध्यान देना है, राइट प्राइस का ध्यान देना है, ठीक है। राइट कंपनी, राइट, ये सारी की सारी राइट कंपनी या राइट प्राइस आपको भाव निकालना पड़ेगा दोस्तों। राइट प्राइस हमें पता नहीं होता है दोस्तों, कितना ऊपर बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, कोई नहीं बता सकता कंपनी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है या कितने आगे ग्रोथ आने वाली है। तो राइट प्राइस जब आप कम कम क्वांटिटीज लेंगे दोस्तों, कम कम क्वांटिटीज लेंगे, एक लिमिट लगा के सेट करेंगे 20,000-10,000 अपने कैपिटल अनुसार, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में, आधा भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे मल्टीपल हम एक पोर्टफोलियो सेट करेंगे जिसमें 15 से 20 स्टॉक्स हों, और जहां से हमारे अच्छे खासे रिटर्न निकलेंगे। अब उसमें से अगर एक दो कंपनीज अगर हमारी बैड डेट भी होती है, अगर काम भी नहीं करती, तो हमारा सारा पैसा वहां से रिकवर हो जाता है, ठीक है। ऐसे काम करना होता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। डिसिप्लिन से जो काम करेगा दोस्तों वही पैसे कमाएगा। डिसिप्लिन, होल्ड करना, पेशेंस, ये चीजें इसमें बहुत जरूरी है। और इन स्टॉक्स पे आप खुद से नजर बना के रहिए, किसी कहने पे नहीं दोस्तों। बहुत सारी चीजें आजकल सारी की सारी डेटा अवेलेबल है, सारे स्टॉक्स का डेटा, पूरी पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर ग्रोथ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टर प्रमोटर्स, हर चीज अवेलेबल है गूगल में। बहुत सारी साइट्स हैं, आप उनमें जा सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। खुद से एनालाइज करनी होती है दोस्तों। देखो दोस्तों अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं और किसी आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से गाड़ी लेते हैं, उसमें ड्राइवर रखते हैं, अगर ड्राइवर तो रखते हैं दोस्तों, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, कभी ड्राइवर आपको धोखा दे दे, ठीक है, ड्राइवर आपको धोखा दे दे, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपकी गाड़ी खड़ी रह जाएगी, और आपकी वो जो आपने कोई गाड़ी कहीं पर रेंट पे लगा रखी तो वहां पे स्टक हो जाएगी, आपका पैसा इनफ्लो आना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको खुद भी आना चाहिए दोस्तों, आपको उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गाड़ी चलाने आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उसके एब्सेंस में आप वो काम आपका हैम्पन हो, आप वहां से काम कर सके और रेवेन्यू जनरेट करते कर सके, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग उसी के आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी किसी भी कंपनी में आप स्टॉक में निवेश करो तो आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स होने चाहिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रमोटर्स कौन है, ओनर्स कौन है, मैनेजमेंट कौन है दोस्तों। किसी ने यूट्यूब पे कह दिया या किसी साइट्स पे आ गया तो वहां पे हमें नहीं जाना होता है, खुद की एनालाइज करनी होती है, क्योंकि आखिर लास्ट में पैसा हमारा है दोस्तों। जब भी पैसा डाउन जाएगा, गिरेगा, ठीक है, तो वो पैसा हमारा है, तो उसको हमें सफर करना है, तो वो प्रॉफिट्स भी हमारे हैं, लॉस भी हमारा है, तो इसलिए हमें खुद से एनालिसिस करनी है। हाँ, अपने हेल्प ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, पर डिसीजन खुद का लेना है। और ये कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, इन कंपनियों में देखो, अपने देश को आगे सशक्त करो, GDP बढ़ाओ, और यहां से पैसा क्रिएट करने का एक
अपनी एक पैसिव इनकम बनाओ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में महंगाई इतनी बढ़नी है दोस्तों, एक जॉब्स कम हो रही हैं, कॉम्पिटेटिव जॉब्स में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। 20,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए 10,000 में लोग करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो महंगाई हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें क्या करना है, पैसिव इनकम ढूंढना है, खुद की एनालिसिस करनी है और इन स्टॉक से पैसा कमाना है दोस्तों। सिर्फ 2% लोग अभी काम करते हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है। जैसे यूएस में 60% स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। अपने देश के आगे जीडीपी बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा, डेवलप कंट्री की ओर हमें जाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।